गाइज वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। और आज के वीडियो में हम देखेंगे PPR जो कि आई है 3 अगस्त को। जैसे आप सबको पता है, मैं थोड़ी प्रोफाइल अगर उनकी प्रोफाइल मिली है उतना मैं ट्राई करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो, ये स्टूडेंट की PPR प्रोफाइल इनकी थी 10th में 87, 12th में 60% थे, BTech किया था कंप्यूटर में, इंजीनियरिंग में 6.5 CGPA थे, बैकलॉग 6 थे, आइल्स में 6.5 थे, कोर्स था साइबर सिक्योरिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डरहम कॉलेज। इनकी टाइमलाइन अगर हम देखें तो फर्स्ट उन्होंने 16 मार्च को अप्लाई किया था और उनको रिफ्यूज़ल आ गया 22nd। वो अगर वो आपको देखना हो तो देख सकते हो। फिर उन्होंने फिर से 12th मई को लगाया, ठीक है, उन्होंने अप्रैल में एक मंथ के बाद फिर से रीअप्लाई की। 14th मई को मेडिकल उनका पास हुआ, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर 19th मई को आ गया और उनको फिर से 12th जुलाई को, ओके, अभी उनको रिफ्यूज़ल आ गया 12 जुलाई को। फिर उन्होंने जो मतलब रीज़न था वो वोंट लिव कैनेडा, प्रीवियस क्वालिफिकेशन एकेडमिक जो जनरल आता है वही, उन्होंने फिर से थर्ड टाइम विथ स्ट्रॉन्ग SOP कम्प्लीटली न्यू एंड ऑल्सो अटैच द जस्टिफिकेशन लेटर 26 जुलाई उनको उन्होंने रीअप्लाई किया। 3 अगस्त को उनको BVI एंड PPR आ गई फाइनली। सो गाइस डोंट लूज होप, ऐसा उन्होंने आप सबको लिए कहा है। तो थैंक यू यार, यू नो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी, मतलब इतने दो बार पहली बार रिफ्यूजल आता है तो क्या सिचुएशन होती है वो पता ही है, जो जिनको आता है वो, जैसे मेरे को आता है। सो जब दूसरी बार भी आप अप्लाई करते हो तो कितना डर हमें रहता है, कितना मतलब वो यार इट्स यू नो कह नहीं सकते वो। फिर दूसरी ये देख सकते हो, अप्रैल 16 को फाइल लगाई थी, 7 मई को BVL आ गया था और August 3 को रिफ्यूज़ल आ गया, non-STS फाइल थी ये। फिर ये दूसरी एक फाइल है, फाइल लगाई थी 24 जून को, मेडिकल अपडेट हुआ 13 जुलाई को, बायोमेट्रिक्स हुए 30 जुलाई और उसी दिन अपडेट हो गए, ओके, और उसके बाद BVL उनको आ गया 3 अगस्त को, यू नो, और BVL एंड PPR सेम टाइम उनको आ गया, मतलब जुलाई 30 जुलाई को किया और विद इन 3 डेज उनको आ गया, 4 डेज उनको आ गया अब उनकी PPR। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको भी। फिर ये दूसरी आप देख सकते हो, रिंकेश जी की आई है, कॉलेज था कॉनेस्टोगा कॉलेज, कोर्स था अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट मिकैट्रॉनिक्स, ओके, SDS फाइल थी, फाइल लगाई थी 5 जून को, अभी उन्होंने लगाई थी, बायोमेट्रिक्स हुए थे 2 जुलाई को, मेडिकल अपडेट हुआ 6 जुलाई को, फाइल रिव्यू में गई 24 जुलाई को और उनको PPR आ गई 3 अगस्त को। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको भी यार। फिर ये दूसरी आप देख सकते हो, फाइल लगाई थी 30 को, मेडिकल अपडेट हुआ 21 जुलाई और उसी दिन उनका रिव्यू स्टार्ट हो गया 29 जुलाई को, उनका मुंबई सेंटर में प्रीमियम सर्विस इन्होंने ऑप्ट की थी। मत ऑप्ट करिए यार, कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या प्रीमियम लेने से क्या हमारी पासपोर्ट स्टैम्पिंग के फास्ट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने खुद प्रीमियम लिया था लेकिन वो मेरा रीज़न कुछ और था, मैंने नवंबर में कराई थी। आप जैसे ही मेरी स्टैम्प होके आएगा पासपोर्ट, आई विल से कि क्या वो आपको कंक्लूड विद प्रूफ हो जाएगा आपको, मैं तो कह ही रहा हूँ अभी नहीं होता कोई इतना डिफरेंस, और बिना मतलब कि आपके पैसे चले जाएंगे। PVR एंड PPR 3 अगस्त को आ गई थी, फेंचो कॉलेज था, प्रैक्टिकल एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 ईयर प्लस अप्लाइड मैकेनिकल डिज़ाइन 1 ईयर, ओके, एंड लेवल ऑफ स्टडी PG, कैटेगरी SDS, एजुकेशन इनका देखे तो BE थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2015 में, 5+ ईयर्स की गैप थी, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस था क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस था मैकेनिकल टेक्नीशियन। सो मतलब ऐसा नहीं होता कि आपका एक्सपीरियंस आपका गैप है तो नहीं आएगा, द थिंग दैट मैटर्स इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर फाइल, ठीक है। फिर आप इनका एक ही टाइम में आ गया, सो यू नो बेस्ट थिंग टेक्स टाइम इन लाइफ, फाइनली गॉट माय PPR, ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको भी यार। मतलब उनका MBA किया था फाइनेंस में, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस था इन रिक्रूटमेंट विथ लॉट्स ऑफ गैप्स, गॉट एडमिटेड इन PG HRM एट यॉर्क यूनिवर्सिटी, उनका कंसल्टेंट था YCI कनाडा, ओके, नो प्रॉब्लम। उनकी टाइमलाइन, ट्वाइस माय फाइल कॉट रिजेक्टेड फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। देखिए इन्होंने फर्स्ट फाइल लगाई थी 1 मार्च को, बायोमेट्रिक्स अपडेट हुए 5 मार्च को और BVL और कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आ गया 21 मार्च, मेडिकल अपडेट नहीं हुआ, ओके। फिर उन्होंने सेकेंड टाइम रीएप्लीकेशन की उनकी, BVL एंड कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब उसी दिन आई थिंक उनका रिफ्यू चला गया होगा और फिर से उन्होंने फाइल लगा दी 4 मई को, ठीक है, और उनका BVL आ गया 15 मई को और फिर से उनको 26 जून को रिफ्यू चला गया। फिर उन्होंने एक मंथ के बाद 25 जुलाई को फिर से फाइल डाली, मेडिकल अपडेट हुआ 3 अगस्त को और उनको PPR भी आ गई 3 अगस्त को। फिर ये दूसरी आप देख सकते हैं, हेलो ब्रो, आई गॉट माय PPR विद IELTS 6 बैंड, कैनेडोर कॉलेज थी, कोर्स था बिजनेस मैनेजमेंट, ग्रेजुएशन में 65% थे, फाइल लगाई थी 10 मई को, ओके, मेडिकल अपडेट हुआ 28 जून को, बायोमेट्रिक्स हुए 2 अगस्त और उसी दिन अपडेट हो गए और उनको BVL आ गई, BVL एंड PPR आ गई 3 अगस्त को। फिर ये दूसरी आप देख सकते हो, हे ब्रो, आई गॉट माय PPR एंड इन फाइल लगाई थी इन्होंने 2 जून को, मेडिकल अपडेट हुए 6 जुलाई को, बायोमेट्रिक्स हुए 30 जुलाई को और उसी दिन अपडेट हो गए थे और PPR आई 3 अगस्त को, IELTS में 6.5 थे, BCom 2019 पास आउट 61%, कैनेडोर कॉलेज बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये थी थोड़ी PPR
और ज़्यादातर मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप PPR शेयर करते हो तो अपनी आपकी पूरी प्रोफाइल शेयर करिए तो अच्छा रहेगा, यू नो वी कैन गेट गाइडेंस एंड डेट्स ऑल। यार अभी मुझे लग रहा है कि जून फाइल्स की PPR थोड़ी ज़्यादा आ रही, सो देखते हैं अभी इस वीक तो 6 अगस्त मतलब ख़त्म होने को आई है, सो PPR ज़्यादा आएंगी। होप फॉर दी बेस्ट एंड डेट्स ऑल, जितने भी लोग वेट कर रहे हैं उन सबकी आ जाए, बस मैं प्रे करता हूँ यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर कोई भी क्वेरी आप कमेंट में लिख सकते हो एंड दैट्स ऑल। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन जाए, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी कोई भी वीडियो आए तो उसकी अपडेट आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।